आज्ञापालन की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि से विद्या अध्ययन किया था। सांदीपनि उनके विद्या गुरु थे। वे सांदीपनि ऋषि जब बाल्यावस्था में अपने गुरु के पास पढ़ते थे, तब उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की थी। सभी विद्यार्थियों में सांदीपनि की गुरु भक्ति विशेष थी। एक बार गुरु के मन में सांदीपनि की परीक्षा लेने की आई। एक दिन विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु का एक बालक था जो वहां खेल रहा था। जब गुरु ने विद्यार्थियों को आते हुए देखा, तब उन्होंने अपने बालक की ओर संकेत करते हुए सांदीपनि से कहा कि उसको कुएं में डाल दें। सांदीपनि ने बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थियों ने देखा तो वे दौड़ते हुए आए कि अरे, इसने गुरुजी के बालक को कुएं में डाल दिया। कुएं का जल नजदीक ही था। विद्यार्थी उसमें कूद गए और बालक को उठाकर ले आए। अब विद्यार्थी सांदीपनि को मारने लगे। सांदीपनि ने उनकी मार सह ली, पर यह नहीं बोले कि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका कि इसको मत मारो, तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात है, विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने सांदीपनि से कहा कि इस छप्पर को आग लगा दो। सांदीपनि ने चट आग लगा दी। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग बुझाई और सांदीपनि को मारने लगे कि गुरुजी के घर को जलाता है। सांदीपनि कुछ बोले नहीं, चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका। सांदीपनि बहुत विशेष बुद्धिमान भी नहीं थे और जड़ बुद्धि भी नहीं थे, मध्यम बुद्धि के थे। परंतु उनमें यह विशेषता थी कि गुरुजी जो आज्ञा देते थे, वे चट वह काम कर देते थे। श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। अज्ञासम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करने से उनकी शक्ति हमारे में आ जाती है, परंतु वह शक्ति तब आती है जब उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल काम कर दो। आज्ञा पालन में जितनी देर करेंगे, उतनी ही शक्ति कम होती जाएगी। इसलिए सांदीपनि अपने गुरु की आज्ञा को नीचे नहीं गिरने देते, अर्थात उस पर विचार किए बिना तत्काल वह काम कर देते थे। आज्ञा गुरुणा हवा विचारणिया। जब विद्या अध्ययन समाप्त हुआ, तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कई अच्छे पंडित बन गए। सांदीपनि भी चले गए। पीछे एक दिन गुरु महाराज बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर शिष्य लोग उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को वस्तुएं दी। उन्होंने किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनि दे दी, किसी को पवित्र दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गोमुख दे दी, आदि आदि। शिष्यों ने उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि गुरुजी चुप हो गए। फिर बोले कि बेटा, तेरे को क्या दूँ, तेरे को देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, परंतु मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ भगवान तेरे शिष्य बनेंगे। बाद में इन्हीं सांदीपनि के पास आकर भगवान श्री कृष्ण इनके शिष्य बने। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।